दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवनी संजीवनी पर। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है महान पुस्तक। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको कहानी में ले चलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब एवं लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी महान पुस्तक। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में अक्सर ज्ञानी विद्वान पंडितों के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। समय समय पर विभिन्न राज्यों से भी विद्वान पुरुष दरबार में आते और अपने ज्ञान का परिचय देते थे। राजा भी उनके अवभगत और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक बार एक व्यक्ति राजा कृष्णदेवराय के दरबार में उपस्थित हुआ। वह स्वयं को महान ज्ञाता और विद्वान दर्शा रहा था। उसका अहंकार उसकी बातों से झलक रहा था। उसने स्वयं के बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें की। उसके बाद दरबार में बैठे ज्ञानियों को वाद विवाद के लिए चुनौती दे दी। उसकी बड़ी चढ़ी बातों से सभी दरबारी सहम गए थे। अपमान के डर से किसी भी दरबारी ने उसके साथ वाद विवाद की चुनौती स्वीकार नहीं की। ऐसा में राजा ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। वह विद्वान को प्रणाम करते हुए बोला, महाशय मैं आपके साथ वाद विवाद के लिए तैयार हूँ। कल ठीक इसी समय मैं आपसे दरबार में भेंट करता हूँ। अगले दिन पूरा राज दरबार भरा हुआ था। विद्वान पुरुष अपने स्थान पर पहले ही से पहुंच चुका था। बस सबको तेनालीराम की प्रतीक्षा थी। कुछ ही देर में सबकी प्रतीक्षा समाप्त हुई और तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। तेनालीराम राजा को प्रणाम कर वाद विवाद हेतु नियत स्थान पर विद्वान के समक्ष बैठ गया। अपने साथ मलमल के कपड़े से बंधा हुआ एक बहुत बड़ा गट्ठर लेकर आया था, जो देखने में भारी ग्रंथों और पुस्तकों का गट्ठर लग रहा था। विद्वान पुरुष ने जब इतना बड़ा गट्ठर देखा तो सहम गया। इधर राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम के हाव भाव देखकर आश्वस्त थे कि अवश्य ही तेनालीराम किसी योजना के साथ उपस्थित हुआ है। उन्होंने वाद विवाद प्रारंभ करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही तेनालीराम विद्वान से बोला, महाशय आपके ज्ञान और विद्वता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं ये महान पुस्तकें लेकर आया हूँ। आइए इस पुस्तक में लिखित विषयों पर वाद विवाद करें। पुस्तक देख पहले ही से सहमे विद्वान पुरुष ने पूछा, क्या मैं इस महान पुस्तक का नाम जान सकता हूँ? अवश्य, इस पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषा बंधनम, तेनालीराम बोला। पुस्तक का नाम सुनकर विद्वान पुरुष घबरा गया। उसने पहले कभी उस पुस्तक का नाम नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि इस पुस्तक का तो मैंने नाम तक नहीं सुना है, इस पर लिखित विषयों पर मैं कैसे चर्चा कर पाऊंगा। वह तेनालीराम से बोला, यह तो बहुत उच्च कोटि की पुस्तक प्रतीत होती है, इस पर चर्चा करने मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, किंतु आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे गहन विषय पर चर्चा हेतु मन मस्तिष्क के साथ साथ सेहत भी दुरुस्त होनी चाहिए। मैं आज आराम करता हूँ, कल इस पुस्तक पर स्वस्थ मन मस्तिष्क से चर्चा करेंगे। तेनालीराम मान गया। अगले दिन वह नियत समय पर अपना गट्ठर लिए पुनः राज दरबार में पहुंचा, किंतु विद्वान पुरुष का कोई अता पता नहीं था। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुआ। वाद विवाद में हार जाने के डर से वह नगर से भाग चुका था। राजा सहित सभी दरबारी चकित थे कि ऐसी कौन सी पुस्तक तेनालीराम ले आया जिसके डर से स्वयं को महान ज्ञाता बताने वाला भाग गया। राजा ने पूछा, तेनालीराम बताओ तो सही ये कौन सी महान पुस्तक है? मैंने भी आज से पहले कभी इस पुस्तक का नाम नहीं सुना है।
तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज यह कोई महान पुस्तक नहीं है, मैंने ही इसका नाम तिलचता महिषा बंधनम रख दिया है, इसका अर्थ बताओ। तेनालीराम राजा बोले, महाराज तिलचता का अर्थ है शीशम की सूखी हुई लकड़ियां, महिषा बंधनम का अर्थ है भैंसों को बांधने की रस्सी। इस गट्ठर में वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियां हैं जो भैंसों को बांधने वाली रस्सी से बंधी हुई हैं। मैंने इसे मलमल के कपड़ों में कुछ इस तरह लपेट कर ले आया था कि देखने में यह पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम मुस्कराते हुए बोला। तेनालीराम की बात सुनकर राजा सहित सारे दरबारी हंस पड़े। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अहंकारी विद्वान के समक्ष अपने नगर का सम्मान बचा लिया। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारे उपहार दिए। दोस्तों ये अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।